फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों, अभी अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय से एक अति आवश्यक नोटिस निकल के आया है। आज हम उस नोटिस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नोटिस को देखते हैं। नोटिस का विषय यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, विश्वविद्यालय के MBBS सेकेंड ईयर प्रोफेसर एंड थर्ड ईयर प्रोफेसर पार्ट 1 और 2, MD MS, MDS पार्ट 1 और 3, BA MS पार्ट 1, 2 और 3, BSc नर्सिंग पार्ट 1, 2, 3 और 4, PBVSC नर्सिंग पार्ट 1 और 2, MSc नर्सिंग पार्ट 1 और 2, BPT पार्ट 1, 2, 3 और 4, OTT पार्ट 1, 2 और 3, ऑप्टोमेली पार्ट 1, 2 और 3, BRDT, MLT पार्ट 1, 2 और 3, पारामेडिकल मेन या सप्लीमेंट्री पाठ्यक्रम के परीक्षा फॉर्म भराए जाने की तिथि दिनांक इतना तक विस्तारित किए जाने के संबंध में अधिसूचना। तो ये आपका नोटिस है। तो चलिए हम इसकी नोटिस को पूरी देखते हैं। इससे पहले कि दोस्तों, जिन लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार का आने वाले वीडियो आपके साथ अपडेट बनी रहेगी। चलिए नोटिस देखते हैं। तो नोटिस जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है नोटिस पे, और ये जो है 14/9/2020 का नोटिस है। आज ही ये नोटिस को जारी कर दिया गया है। नोटिस में बताया गया है, एजद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि MBBS सेकेंड ईयर प्रोफेसर एंड थर्ड ईयर प्रोफेसर पार्ट 1 और 2, MD MS, MDS पार्ट 1 और 3, BA MS पार्ट 1, 2 और 3, BSc नर्सिंग पार्ट 1, 2, 3 और 4, PBBSC नर्सिंग पार्ट 1 और 2, MSc नर्सिंग पार्ट 1 और 2, BPT पार्ट 1, 2, 3 और 4, OTT पार्ट 1, 2 और 3, ऑप्टोमेरी पार्ट 1, 2 और 3, BRDIT, MLT पार्ट 1, 2 और 3, पारामेडिकल मेन सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं अति शीघ्र संपन्न कराई जानी है। इस हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भराए जाने की अंतिम तिथि 14/9/2020 तक निर्धारित है, जिसे दिनांक 22/9/2020 तक विस्तारित किया जाता है। यानी कि आप लोग को जो इतने सारे कोर्स है, इन सभी की परीक्षाएं जो है अति शीघ्र संपन्न कराई जानी है, ऐसा सूचना आप लोगों को दिया गया है। और इसके जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म है, उसे भराने की जो अंतिम तिथि थी वो 14/9/2020 तक ही निर्धारित थी, परंतु इसे बढ़ा करके अब 22/9/2020 तक ले विस्तारित कर दिया गया है, यानी कि आगे तिथि बढ़ाया गया है। तत्व संबंधी संस्थान में अपेक्षा की जाती है कि पूरित आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन वेरिफिकेशन प्राचार्य के माध्यम से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि समस्त पूरित छात्रों के आवेदन पत्र MCI DCI यानी कि नीट नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के मानक अनुसार संस्थान में प्रवेश होने पर ही मेरे द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। तो यहाँ पे जो अपेक्षा की जा रही है कि जो आपका ऑनलाइन सत्यापन और वेरिफिकेशन है प्राचार्य के माध्यम से जो शपथ पत्र है उसे प्रस्तुत किया गया है, और छात्रों के जो आवेदन पत्र जैसे MCI और DCI यानी कि नीट जो है और नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इसी के मानक अनुसार जो संस्थान उसमें प्रवेश होने के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो दिनांक 24/9/2020 तक करते हुए लॉगिन में उपलब्ध चालान में वर्णित विवरण अनुसार परीक्षा शुल्क दिनांक 26/9/2020 तक जमा कराना सुनिश्चित है। तो जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि 24/9/2020 तक अपने लॉगिन को उपलब्ध चालान में वर्णित विवरण अनुसार परीक्षा शुल्क को 26/9/2020 तक जमा कराना सुनिश्चित है। आगे बताया जा रहा है, परीक्षा शुल्क जमा किए जाने के उपरांत शुल्क को लेखा विभाग से सत्यापन करा के कॉलेज लॉगिन में अपलोड कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे जो है कॉलेज के जो लॉगिन है वहाँ पे भी आपको अपलोड कराना सुनिश्चित है। सत्यापित परीक्षा शुल्क की रसीद कॉलेज लॉगिन में अपलोड ना किए जाने की स्थिति में जांच पत्र एवं प्रवेश पत्र निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे सत्यापित परीक्षा जो रसीद को जो लॉगिन है उसे अपलोड नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं उसे अपलोड कीजिएगा तो उसकी स्थिति में जांच पत्र और जो प्रवेश पत्र है उसे निर्गत किया जाना संभव तो नहीं होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो संबंधित संस्थान है उसकी होगी। परीक्षा आवेदन पत्र एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति विवरण भी परीक्षा विभाग में 28/9/2020 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में यह भी अपेक्षा की जा रही है कि पूरित परीक्षा आवेदन पत्रों का स्वयं
सूक्ष्मता से निरीक्षण कर लें। आहार संबंधी नाम एवं पिता के नाम में त्रुटि होने पर संबंधित छात्र एवं महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको नाम और पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन सब बातों का, नहीं तो इसके जिम्मेदार जो है संबंधित छात्र एवं महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार है, इसका भी ध्यान रखना है आप लोगों को। जो नोटिस बताया गया है परीक्षा नियंत्रक के द्वारा बताया गया है, नीचे प्रतिलिपि भी आपको दिया गया है, को इसमें बस इसी से कुछ संबंधित सूचना है। प्रतिलिपि इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, अगर इम्पोर्टेंट रहेगा तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो ये प्रतिलिपि भी जो बताया गया वो भी परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार का कोई भी वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।